अपने एम ओ जुए हैं उन सबका नाम उल्लेख में, चूंकि कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है, समय लगेगा, सभी को बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि पहली बार इस देश में लंबे अरसे बाद एक ऐसा अवसर देखने को मिला है कि हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी आज मीडिया, हमारे मीडिया के साथियों को भी बहुत सम्मान है, मीडिया ने एक नया शब्द दिया है, मोदी पार्ट टू। यह मोदी पार्ट टू, ये जनता का मेन पार्ट का ऐसा रोल जनता ने किया है कि आज इस देश में एक 35-40 वर्षों बाद एक नया शब्द सुनने को मिलता है। एक शब्द था एंटी इनकम्बेंसी, सरकारों में रहने के बाद सरकार के लोग चुनावों में जाते थे तो अपनी गलतियों के लिए माफ करिए या सब प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अपने किए गए करप्शन के लिए क्षमा मांगते हैं, वोट मांगते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार वोट मांगने गई थी उसके संग सब जलपरा प्रो इनकम्बेंसी, सरकार के लिए अच्छे कार्यों पर जनादेश और पहले से भी ज्यादा उस जनादेश के बाद जो हमारे वरिष्ठों ने, माननीय मोदी जी ने और हमारे सभी सीनियर साथियों ने जो मेरे पर जिम्मेवारी दी है, मुझे खुशी है कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा मोदी पार्ट टू का पहला बड़ा मेगा इवेंट इस विज्ञान भवन में करने का मुझे अवसर मिला और उसमें इतने एक साथ इतने हुए। मुझे लगता है कि इतने साथ यह कौशल बढ़ाने और उद्यमशीलता की नई राह खोलने के लिए एक साथ इतने एवं भी कमी अवसरों में विज्ञान भवन में हुए होंगे, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं और इस आयोजन के लिए अपनी विभागीय टीम और इससे जुड़े सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत साधुवाद। आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं आप सबको इतना ही आग्रह रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, मोह नहीं छोड़ता अपनी बात हिंदी में बोल देने के लिए, कि दुनिया में अक्सर अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद करके विषय प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन स्किल इंडिया का जो हिंदी शब्द है वह अपने आप में अंग्रेजी के स्किल से बड़ा पुराना मौलिक शब्द है। कुशल कौशल भारत और कुशल भारत, कौशल विकास और कुशल भारत, ऋषि मुनियों का दिया शब्द है। ऋषि मुनि जब प्राचीन काल में, उनका मंत्र मुझे याद नहीं आ रहा, उनका मंत्र होता था कि जो शिष्य समझा इकट्ठा करने में कौशल्य से समझा इकट्ठा करे, यज्ञ के लिए उसकी उंगलियों में घायल न हो, उसे ही बेहतर कौशल है और उसे कुशल माना जाता है। यह हमारे देश की स्वाभाविक संस्कृति से जुड़ा शब्द, यह स्किल इंडिया का जो हिंदी रूप है वो अपने मौलिक है। और इस कौशल विकास के काम को आप महसूस कर रहे होंगे, जैसा हमारे सभी आदरणीय पूर्व वक्ताओं ने, शंकर जी ने, कुंवर जी ने, सब लोगों ने, जो आर के सिंह साहब निशंक जी ने, अभी वहाँ हम सबको बड़ा ही मार्गदर्शन मिलेगा निर्मला जी का, मैं उनका इसलिए भी अभिनंदन करूँगा कि हमारे मंत्रालय का जो सेकेंड पार्ट है उद्यमशीलता, उसमें स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए आपने अनेक प्रकार के टैक्सेस से, झंझटों से आपने मुक्ति दे दी है, इसके आपको बहुत अभिनंदन है, क्योंकि हमारा ये जो जिम्मेवारी है उसमें हमें और अनुकूलता मिलेगी। तो आज इस मौके पर यहाँ पर हम सब, अभी एक और कार्य आपके बीच संपन्न होगा कि अभी विश्व में प्रतिस्पर्धा जो स्किल वर्ल्ड का कंपटीशन होगा उसमें हमारे 45 हिंदुस्तान के चुने हुए लोग, चुने हुए हमारे युवा जा रहे हैं, उनको हम आज शुभकामना देंगे। जो अगस्त 9 आयोजित होने वाला है उन्हें शुभकामना देंगे और आपकी शुभकामनाएं विश्व में उनको अपना महत्व स्थापित करने में, प्रतिभागिता में अधिक से अधिक मेडल लाने में सफलता देगी, इस तरह से आपको।